फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आप सामने, आयु संबंधी क्वेश्चन देखिए। पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु पूछिए। 4 ऑप्शन आप सामने, 16, 20, 13, 44। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। दोस्तों बड़ी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक सेकंड में आंसर आएगा। देखो दोनों का योग कितना है, 60 ईयर है, ठीक है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। अभी वर्तमान, ये क्या है वर्तमान, 60 वर्ष है। अब ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष पहले जाएंगे, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, वो पिता और पुत्र की आयु दोनों की आयु 6 वर्ष पहले जाएगी। देखो तो 6 वर्ष, देखो 6 वर्ष पुत्र की जाएंगे और 6 वर्ष पिता की भी जाएगा, तो 6 इसकी गया और 6 इसकी गया, तो 6 इन 6 कितना गया, देखो 6 वर्ष, देखो 6 वर्ष पुत्र की गया, 6 वर्ष पिता की गया दोनों, तो 6 इन 6 कितना वर्ष कम हो गया, 12 वर्ष कम हो गया। अब 12 वर्ष कम होने के बाद कितना रह गया, 60 में से 12 गया तो कितना बन गया, 48 रह गया, कितना रह गया, 48 वर्ष रह गया। अब वो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। अगर यहाँ पे पुत्र है और ये पिता है, अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है, 5 है, क्योंकि पिता की 5 गुनी थी, तो पिता की 5 गुनी थी है ना, तो 5 और इस रेशो का योग कितना होगा, 6। इसी 6 का इसमें भाग लगा दो, 6 8 48, 8 बारी कट गया, तो 8 का गुणा यहाँ कर दो, 8 का गुणा यहाँ कर दो, तो 8 एकम 8, पिता की आयु तो होगी 40 वर्ष, पुत्र की आयु 8 बन जाए 40 है ना, तो पिता की आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। अब 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व पिता के पुत्र की आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। अब 6 वर्ष पहले थी, 6 वर्ष बाद यानी कि आज होगी, और 6 वर्ष आज, 6 वर्ष पहले थी तो 6 जोड़ेंगे तो आज हो जाएगा। अब 6 वर्ष और बाद की पूछ रहा है, 6 वर्ष और बाद की, तो इसमें 6 और ऐड कर देंगे, तो 8 ने 6 14 6 20, तो 20 वर्ष उसका रहेगा आंसर, ये लास्ट बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।